स्वागत है आप सभी का आपकी खबर में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे आपसे जुड़ी उन खबरों की जो जाननी आपको जरूरी है। तो आज तो बड़ी खबरों की बात होगी। चलिए पहली बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिश है ज्यादातर लोग घरों में ही रहें। कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन चार दीवारी में बैठे लोगों को भी राशन, दूध, सब्जियां, फल और दवा लेने तो बाहर निकलना ही पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें ये चिंता है कि उनके या सामान के साथ कोरोना वायरस घर में ना घुस जाए। अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक कोरोना के 18% मरीज अपने घर के सदस्यों को भी संक्रमित कर रहे हैं। तो इस खबर पर हम बात करेंगे और घर में रहने के दौरान कोरोना से बचने के तौर तरीकों की के तरीके क्या हो सकते हैं, उस बारे में हम समझेंगे। तो घर में रहकर कोरोना से कैसे बचें, इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भुवनेश्वर जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है कि जिस तरह से प्रदेश की हम बात कर लें, कई शहरों में, कई ज़िलों में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। ऐसे में सरकार की भी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि इस महामारी पर अगर फतह हासिल करना है तो फिलहाल तो घर में रहने की आवश्यकता है। लेकिन घर के सामान की बात करें, सब्जियों की बात कर लें, दूध की बात कर लें या दवाइयों की बात कर लें, ऐसे में कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें घर में लाने के लिए, तो किस तरह की सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक भी सदस्य दूसरी लहर में पॉजिटिव हो रहा है तो बाकी के घर के जो सदस्य हैं वो भी उसकी चपेट में आ रहे हैं इस लहर में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ये समझाना और आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बीमारी में या किसी भी बीमारी में, महामारी आपदा में, आपके डरने घबराने से, आपके पलायनवादी एटीट्यूड से या आपके निराश हो जाने से नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हर साल दो बार तीन बार वायरल संक्रमण आते हैं, उसी तरह से ये एक संभवतः कृत्रिम जैविक हथियार के तौर पे उपयोग किया गया वायरस है। और इसको हम वायरस नहीं, इसको हम माइरस कह रहे हैं, क्योंकि ये वायरस और फंगस का सम्मिश्रण है, इसलिए ये स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ रही हैं। लोगों में जानलेवा फंगस मौत का कारण बन रहा है। और जिस तरह से हम सबको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको संक्रमण हुआ है तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने आपको एक बार इससे रूबरू करा दिया और आपके अंदर इम्यूनिटी बनेगी उससे, बिल्कुल उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको संक्रमण होता है तो आपके घर के सब लोगों को उससे संक्रमण होगा, ये भी तय बात है। ये नॉर्मल स्वाभाविक इम्यून प्रक्रिया है कि वायरस आपके शरीर में इम्यूनिटी तगड़ी करने के लिए आते हैं। अब यहाँ चिंता की बात यह है कि फिर मौत क्यों हो रही है। देखिए, मौतें इसलिए हो रही हैं कि लोगों की घबराहट का कोई इलाज किसी सरकार के पास नहीं है। डर, पैनिक, घबराहट और अफवाहों का कोई इलाज किसी सरकार के पास नहीं होता, ना किसी चिकित्सक के पास होता है। आज अस्पताल क्यों भरे पड़े हैं कि फर्जी अच्छे अच्छे मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, और जिनको वाकई कोई उपचार की जरूरत है, जो पुराने बीमार हैं, जिनको फेफड़ों के संक्रमण थे, निमोनिया था, कैंसर था, हार्ट की डिसीज थी, किसी और तरह के ऐसे जिनसे हर साल हमारे देश में 70 से 80 लाख मौतें होती थी, वो इस साल कहाँ है, वो नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि चूंकि उनको कोई उपचार नहीं मिल पा रहा, तो जब वो अंत समय पर अस्पताल पहुंच रहे हैं अपनी कमजोर प्रतिरक्त रक्त प्रतिरोध क्षमता की वजह से, तो उनको नुकसान हो रहे हैं और उनको हम मौतों के आंकड़ों में गिन रहे हैं, जो मुश्किल से 2 लाख 2.25 लाख हुए हैं इस साल हमारे देश में। वो 70-80 लाख मौतें तो सुरक्षित हैं, उनको तो बचाया जा सका है। तो सबको ये ध्यान देना होगा कि बेहद खुशगुणनुमा वातावरण में रहें, बात बात पर दवाइयां ना खाएं, खास तौर से बीमारी का लक्षण पता चलते ही जो सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, सर दर्द, बॉडी दर्द है, उसमें आप पहले दिन से किसी भी हाल एंटीबायोटिक ना लें, स्टीरॉइड ना लें, ये बहुत जरूरी बात है। आपके एंटीबायोटिक लेने से वायरस के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है, वो और ज्यादा मारक हो जाता है। स्टीरॉइड लेने से वो फंगस और ज्यादा जानलेवा साबित हो जाता है। आपको कोई कितने भी प्रोटोकॉल दे दे उठाकर, कोई कितने भी छपे हुए पर्चे दे दे उठा के, आपको 5 दिन से पहले अपनी कोरोना की जांच नहीं करानी है,
उसके बाद ही, क्योंकि ये जांच 5 से 8 दिन में ही 60% पॉजिटिव आती है, 40% में फिर भी नुकसान रहता है कि कहीं सही आएगी कि गलत आएगी। इसके अलावा आपकी जब तक ऑक्सीजन 90 के आसपास ना आने लगे तब तक आपको सीटी स्कैन के लिए बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को खुली हवा में रखिए, खुश रखिए, लगातार गर्म लिक्विड पेय पदार्थ लेते जाइए। एक सामान्य एडल्ट को 4 से 5 लीटर लिक्विड लेने की जरूरत पड़ना चाहिए इस गर्मी के मौसम में, इस बीमारी में आपको इतना लेना ही लेना है। आपको लगातार गर्म भोजन करना है, दिन में 4-5 बार टुकड़ों में बांटकर, आपको जितना हो सके सुबह उठकर सुबह की धूप में 2-3 घंटे पसीना बहाना है, पसीना बहुत जरूरी है। विटामिन डी इस बीमारी का सर्वश्रेष्ठ उपचार है, आप उसकी गोली भी ले सकते हैं हफ्ते में एक दिन, आप हफ्ते में एक दिन एंटी फंगल की गोली भी ले सकते हैं जिससे कि जानलेवा फंगस मारक साबित ना हो जाए। और आपको शुरू के 5 दिन अपने आप को खुश रखना है, 90% वायरल संक्रमण अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपको किसी और उपचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी गर्ग साहब, आपने इस बात का जिक्र किया कि कोरोना का अगर टेस्ट कराना है तो कम से कम 6 से 7 दिन का वेट करें, और ऐसे में सवाल 8 दिन के बीच में आपको कराना जी चाहिए। लेकिन इस बीच जो पेशेंट है उसे कुछ फीवर आता है या कुछ जुकाम जैसे सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं तो कुछ ट्रीटमेंट वो ले सकता है? मैंने आपसे यही कहा कि वो अपने आप को खुले माहौल में रखे, बंद कमरे में ना ले जाए, डरे नहीं, घबराए नहीं। डर घबरा के जो 10 तरह की धारणाएं चल रही हैं कि स्टेरॉइड भी खा लो, एजिथ्रोमाइसिन भी खा लो, प्रेडनिसोलोन भी ले लो, डॉक्सीसाइक्लिन भी ले लो, इवन आइवरमेक्टिन भी ले लो, ये सब दवाइयां जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई इंडिकेशन नहीं है। देखिए मुझे एक बात बताइए, आपके पास कोई बीमारी की जानकारी होगी तब आप उसका उपचार करेंगे ना। अगर आपके पास बीमारी की जानकारी नहीं है और आप उसको 10 तरह का ड्रग कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो वो ड्रग्स क्या आपके शरीर को नुकसान नहीं करेंगी? दवाई का अर्थ ही है नुकसान करना, ठीक है ना। भोजन और दवाई में क्या फर्क है? भोजन आपको ताकत देते हैं, दवाई आपको नुकसान देती है। तो अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि वायरस में हम कहते हैं कि वायरस अपनी इम्यूनिटी से खुद ठीक होते हैं, शरीर की इम्यूनिटी से, तो अगर आप वहां पर 4 एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो आपके शरीर को वायरस से पहले उन एंटीबायोटिक से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक में अपने आप लिखा हुआ है, उसे अगर हम नाम को पढ़े तो एंटीबायो जीवन के विपरीत, तो अगर कोई किसी सेल के विपरीत है तो आपके सेल के विपरीत भी है, ये सोचना होगा। और ऐसे में अगर पेशेंट जो है रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाता है जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, घर के जो अन्य सदस्य हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है वो कोरोना की जांच फिर ऐसे में कितने दिनों में कराएं, क्योंकि उन्हें तो सिम्टम्स नहीं है? जिसको सिम्टम नहीं है उसको बिल्कुल सिर्फ इस बात पे जांच कराने नहीं भागना है कि मेरे घर में एक आदमी पॉजिटिव आ गया तो मैं भी जाऊं। देखिए मैंने आपसे कहा कि 40% फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं इस जांच से, तो आपके अगर 5 लोग हैं तो 2 लोग तो फॉल्स आ ही जाएंगे ना उसके अंदर, ये बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है तो खुश रहिए, भगवान ने आपको छुट्टी का मौका दिया है, आनंद मचा करने का मौका दिया है, आपने जिंदगी भर बहुत कमाया है, आपके घर में इतना अभाव नहीं है कि आपको 6 महीने अगर काम नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, तो अवसाद में नहीं आइए, डर में नहीं आइए, भीड़ चाल में मत आइए, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। 5 से 8 दिन में आपको कोरोना की जांच करानी है, वो भी अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत सुधर गई है, मेरी सर्दी जुकाम खांसी कम हो गया है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल मत जाइए कोरोना की जांच कराने। और सीटी स्कैन तो किसी हाल नहीं कराना है जब तक कि आपका 90 से नीचे सेचुरेशन आना ना चालू हो जाए, और उसके लिए भी अगर आप खुली हवा में जाके बैठते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं, वो 90 से वापस ऊपर उठ के 95 आ जाता है, 96 आ जाता है, तो आपको सीटी भी कराने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल यहाँ पर कि आमतौर पर बाहर से जो हम सामान लेकर आते हैं रैपर में लाते हैं या जो कैरी बैग होता है उसमें लाते हैं, क्या उसे सैनिटाइज करने की आवश्यकता है? क्या वायरस इतना खतरनाक है कि ये जो पैकिंग हैंडबैग होते हैं इनमें भी चिपक जाता है और इफेक्ट कर सकता है? देखिए वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी के जरिए पहुंच रहा है और ये पहुंचेगा। आप कोई भी सामान लेने बाहर जा रहे हैं, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके जाइए। कहने का मतलब ये है कि खूब ढेर सारा पानी, छाछ, मठा, जो आपके आमपना जो आपके घर में उपलब्ध हो, अच्छे से भरपेट पी के जाइए ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो बाहर की गर्मी में, धूप में, भीड़ में, पहली बात। दूसरी बात, आप मास्क डबल ट्रिपल अच्छे से लगा के जाइए, ढीले मास्क पहनिए ऊपर के जिससे कि आपके अंदर हवा का सर्कुलेशन होता रहे, और उसके ऊपर एक बड़ा ढीला टाइट मास्क पहन लीजिए जिससे कि आपके मुंह नाक के आसपास जगह बनी रहे। इसके साथ आपको ये कोशिश करनी है कि जब आप बाहर से आ जाते हैं सामान लेके तो अपने सब कपड़ों को, अपनी चीजों को घर के बाहर उतारने की कोशिश करिए, जैसे हम प्राचीन कालों में देखते थे कि घरों के बाहर नहाने बैठक करने की व्यवस्था थी। सामान वहां छोड़ दीजिए, अपने सामान को, सारे सामान को अगर आप 6 घंटे 8 घंटे बाहर धूप में छोड़ देते हैं, ऐसा सामान जो खराब नहीं होगा, जो पैक है सामान,
जो खाने पीने का सामान है जिसको आपको तुरंत प्रभाव से अंदर लेना है, सब्जियां फल फ्रूटी खास है इस समय, तो आप उसको अपने घर में लेके गर्म पानी में डाल के छोड़ सकते हैं आधे घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ सकते हैं, उसके बाद उसको पानी से धो के इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको करना चाहिए ताकि वायरल का लोड आप कम कर सकें। जितना वायरस कम से कम आपके शरीर तक पहुंचेगा उतनी ज्यादा ताकत से आपका शरीर इम्यूनिटी बना लेगा। यही वैक्सीन का एक तरह से पैटर्न है। क्या वैक्सीन में एक मरा हुआ या वायरस का खोल या वायरस का जो जीनोम है उसको मृत प्राय करके उसको टॉक्सिक फ्री करके हम वैक्सीन के जरिए आपके शरीर में इंजेक्ट कराते हैं। तो अगर एक दो वायरस आपके शरीर में वैसे पहुंचेंगे तो वैसे इम्यूनिटी खड़ी कर देंगे। कहने का पर्पज ये है कि खुश रहिए। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो लोग हैं ऐसी धारणा बन गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा काढ़ा पिए या कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आ गए हैं उसका बिना सलाह के सेवन कर रहे हैं, ये हानिकारक भी साबित हो सकता है क्या? बहुत हानिकारक होंगे, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कोई भी दवा चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, ये दवाएं हैं। दवा का अर्थ होता है कि वो कोई एक विशेष काम के लिए बनाई गई है। तो अगर आपके शरीर में वो विशेष काम नहीं है तो ये वो धनुष से निकले हुए तीर हैं जो किसी को तो मारेंगे, ये वापस नहीं आ सकते। आपके शरीर में गया तो कुछ तो करके बाहर निकलेगा, वो उसके बिना उसका काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए इन परिस्थितियों में आपको बिल्कुल बाजारों व्यवस्था पे नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पिछले एक साल पहले कोरोनिल को लेकर, रामदेव बाबा की दवाइयों को लेकर रामदेव बाबा ने दुनिया भर में हंगामा मचाने की कोशिश की थी कि हमने दवाइयां खोज ली है, हमने कोरोना का इलाज खोज लिया है। आज उनके ही संस्थान के सारे लोग कोरोना संक्रमित होकर पड़े हुए हैं। क्यों? तो इस तरह की झूठे मिथ्या दावों पर, बाजारू दावों पर इतने लोगों ने कोरोना की दवाइयां खाई हैं रामदेव बाबा की, आज वो सब बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अगर वो सब ठीक होते तो उनका ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए था सिस्टम। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक बाजार ने भय और अभाव खड़ा कर दिया है, चाहे वो रेमडेसिविर दवा के नाम पर हो जो किसी काम की नहीं है, जिस दवा का उपयोग ही नहीं है उस दवा के उपयोग को लेकर इतना अभाव क्यों बनाया जा रहा है? और इसी तरह से हम ऑक्सीजन बेड्स की डिमांड देख रहे हैं। क्या इसके पहले शरीर को ऑक्सीजन नहीं चाहिए पड़ती थी? आज हम देख रहे हैं कि जो पहले 4 महीने पहले 3,000 रुपए का बिस्तर हुआ करता था, वो अस्पताल उसके लिए 30,000 रुपए चार्ज कर रहा है। ऑक्सीजन अलग है, दवाइयां अलग है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है? ये सिर्फ आपका डर है जिसको दिखा के आपका शोषण किया जा रहा है। आप सब लोगों को समझना होगा। मैं बार बार सबके सामने पूरी अपनी कॉन्फिडेंस के साथ और अपने भरोसे के साथ सबको बार बार साल भर से चेता रहा हूं कि इसकी पहली वेव आना थी वो आ गई, दूसरी वेव अप्रैल में आना थी वो भी आ चुकी, अब तीसरी वेव इसकी सितंबर में आएगी। अगर सितंबर में बारिश के मौसम में जब फंगस बहुत जानलेवा साबित होगा, तो जितने बूढ़े हैं, जितने बीमार हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने हार्ट के मरीज हैं या जितने ब्लड प्रेशर कैंसर के मरीज हैं जिनको विशेष उपचारों की जरूरत है, वो इन उपचारों के अभाव में बहुत ज्यादा अकाल काल कवलित होंगे। उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, सरकार को फोकस करने की जरूरत है। हर जगह जगह पर होम आइसोलेशन और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के बीच में एक बफर जोन बनाने की जरूरत है। अगर सरकार ये बफर जोन अभी भी नहीं बनाती है तो सरकार कम से कम 20% बीमार जनता का डेथ सर्टिफिकेट बनाने जा रही है। ये मैं सबको चेताना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गर्ग हमसे बातचीत करने के लिए। तो घर में रहकर किस तरह से आपको सुरक्षित रहना है इस बारे में डॉक्टर से हमने चर्चा की और आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।